एडिशनल आईजी सखर एसएसपी शिकारपुर के तारीफी खत के बे डी शोकाज नोटिस जारी कर छड़ा। डॉक्टर जमील अहमद तरफा डॉक्टर रिजवान खां कशुमल के अगवा वाके में गैर संजीदगी दिखारण से वजाहत तलब। नोटिस में चयो वयो आहे त धाड़ेलन कशुमल की बाजियाबी लाए भुंग घुरियो। सदस वारसन की मुलाकातुन बावजूद एसएसपी शिकारपुर संजीदगी न दिखारी, हफ्ते अंदर वजाहत पेश करण की हिदायत। सिंध हाईकोर्ट सेवण में नारी सा ज्यादती केस में सिविल जज इम्तियाज भुट्टो खिलाफ जांच की इजाजत दई छी, पुलिस की दरख्वास्त मंजूर। अदालत सिविल जज एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इम्तियाज भुट्टो की हिफाजती जमानत मंजूर करे वरती। 1,00,000 रुपयन जा जमानती मचलका जमो कराण जो हुकुम। पीटीआई एमपीए दुआ भुट्टो जो सोशल मीडिया से 20 जाली आईडीज होजन जो इंकशाफ। एफआईए संदस खिलाफ जांच शुरू कर छी। पीपी सेनेटर रूबीना खालिद तरफा दुआ भुट्टो खिलाफ एफआईए में दरख्वास्त दाखिल। जरियन मूजिब दुआ भुट्टो का सिंध असेंबली में जांच कई वी। साल 2018 की भेट में 2019 में पाकिस्तान अंदर करप्शन वधी वही। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 180 मुल्कन में करप्शन बाबत रिपोर्ट पदरी कर छी। फहरिस्त में पाकिस्तान के करप्शन वधन सबब 33 मां 32 नंबर से रखे वो। रिपोर्ट में चयो वयो आहे त पाकिस्तान 10 साल में पहरियों भेरो करप्शन की इंडेक्स में अगते वधन बदरा पोइते थियो आहे। नौशहरा में वेशी जवाबदार मासूम बारड़ी के पलांद में ज्यादती बद कतल करण जो एतराफ़ करे वरतो। पुलिस आडो एतराफ़ी बयान दींदे अबदार चयो आए त बारड़ी होज नूर जे मामे साणस ज्यादती कई। पलांद में कतल जी कोशिश दौरान बारड़ी मज़ाहमत कई त खेस पानी जी टेंकी में उछले छड़ियो, जिते खेस घुटा दई मारियो। सिंध बैंक के अगूणे सदर बिलाल शेख की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट खेस 1 करोड़ रुपयन के मचलकन एवज आजाद करण जो हुकुम दई छड़ियो। नेब मूजिब बिलाल शेख ते हसन लवाई जी कंपनीज के सिंध बैंक में गैरकानूनी तौर कर्ज देने जो इल्ज़ाम है। पाकिस्तान हर किस्म जा जंगी औजार खड़ी वन की सलाहियत रखंदड़ गजनबी मिजाइल जो कामयाब तजुर्बो कर वरतो। वजीर आजम सदर जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन टिन्ही हथियारबंद फौजन के सरबराहन तरफा पाक फौज तोड़े इंजीनियर्स के वाधायूं। ठटे भरसा बत्ती की बाह घर उजाड़े छो। माओ मासूम धी ए पुट सुधो सड़ी फोत। कखाओ घर सड़ी खाक थी वो। गोठ मोहम्मद हसन में पोरत निजाम मंचरी के कखाए घर के बत्ती की बाह वकोड़े वही। औरत सुधो बजणा जख्मी। इंसाफ की आलमी अदालत म्यांमार हुकूमत के रोहिंग्या मुसलमान की नस्लकशी रोकण लाए घुर्बल कदम खरण जो हुकुम दई छो। फैसले में मुदई मुल्क गैम्बिया के कार्रवाई अगते वधायण की हिदायत कंदे चयो वयो आए त आलमी अदालत म्यांमार मथा इल्ज़ामन ते बदल केस बुधण जो इख्तियार रखे थी। साल 2017 में म्यांमार फौज के बेरहम क्रैकडाउन के नतीजे में 7,30,000 का वधिक रोहिंग्या मुसलमान मुल्क बदरी से मजबूर थिया।